भविष्य में आयुर्वेद दुनिया के लिए एक वरदान साबित हो सकता है, इसलिए आज हमने इस विषय पर एक स्पेशल डीएनए टेस्ट आपके लिए तैयार किया है। आयुर्वेद सिर्फ बीमारियों को ठीक करने का ही दावा नहीं करता, बल्कि ये जीवन जीने का तरीका बदलकर बीमारियों के लिए दरवाजे ही बंद कर देता है। ये व्यक्ति के जीवन को पहले से भी बेहतर बना देता है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में आयुर्वेद लेटेस्ट ट्रेंड बन गया है। ऐसे में एक बार फिर दुनिया प्रकृति की तरफ लौट रही है, एक बार फिर दुनिया भारत के प्राचीन ज्ञान पर भरोसा कर रही है, और अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों में आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जा रहा है। हल्दी वाला दूध स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा है, ये बात अब दुनिया को भी समझ में आ रही है। योग के बाद आयुर्वेद दूसरा ऐसा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है जो पूरी दुनिया में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। लेकिन जब देश अंग्रेजों का गुलाम था, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1833 में कलकत्ता में आयुर्वेद के सभी स्कूलों को बंद कर दिया था। ये वो दौर था जब अंग्रेज हमारे प्राचीन ज्ञान को मजाक समझते थे। फिलहाल दुनिया में जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं, वो एक दूसरे के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करती हैं। एलोपैथी की प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर आयुर्वेद और होम्योपैथी को शक की निगाह से देखते हैं, जबकि आयुर्वेद और होम्योपैथी के डॉक्टरों को एलोपैथी में कमियां दिखाई देती हैं। और इस लड़ाई का नतीजा ये होता है कि बहुत सारी गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं हो पाता। हमें लगता है कि सभी चिकित्सा पद्धतियों को एक साथ एक दूसरे के लिए पूरक का काम करना चाहिए। ये बात अब पूरी दुनिया को समझ में आने लगी है और अब मरीजों पर आयुर्वेद के असर की जांच हो रही है। हमारे देश में चिकित्सा पद्धतियों को लेकर भी एक खास तरह का बाजारवाद है। हमारे देश के उद्योग जगत ने हमेशा एलोपैथी को प्रमोट किया है, जबकि आयुर्वेद और होम्योपैथी को दबा कर रखा गया है। पिछले कई दशकों में चिकित्सा के तरीकों की मार्केटिंग इस तरह से की गई है जिससे ऐसा लगे कि आयुर्वेद और होम्योपैथी एलोपैथी से कमतर है, जबकि असलियत में ऐसा नहीं है। अगर चिकित्सा के तरीकों का इस्तेमाल एक दूसरे के पूरक के रूप में किया जाए तो दुनिया में कई बड़े चमत्कार हो सकते हैं।